हलचल में आपका स्वागत है। तो आइए नजर डालते हैं नागपुर की विविध हलचल पर। भाजपा की केंद्र सरकार द्वारा विविध दैनंदिन उपयोग की वस्तुओं के साथ साथ रसोई गैस व पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के विरोध में कांग्रेस की प्रदेश महासचिव एडवोकेट नंदा पराती, पूर्व उप महापौर अण्णा राउत, कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष रजत देशमुख, मनोज घोड़मारे, गंगाधर बांदेकर, शुभम शेंडे, अभिषेक मुहाड़ीकर, अभिजीत ठाकरे, बाबूलाल साहू, मुकेश निमजे, सुरेश सिंह चव्हाण, प्रवीण शेंडे, प्रशांत बुर्डे, नरेंद्र नागभीडकर, महेश वर्मा, राकेश वैद्य, दीपक बोरकर, पवन चौधरी, राजा मिश्रा, संजना देशमुख, वर्षा गुजर, छाया सुखदेवे, संगीता उपरीकर, पद्मा तिवारी, कविता नितनवरे, माया धार्मिक, कुंदा निनावे, मंदा सोनकुसरे, गीता बंडोले, मंजू पराते, कल्पना अडेलकर, मंदा शेंडे, शकुंदला वट्टीगरे, गीता हेडाऊ आदि कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने आंदोलन किया। इस दौरान जमकर नारेबाजी करते हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का विरोध किया। शहर के कुछ हिस्सों में रहने वाले नागरिकों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। मनपा प्रशासन की ओर से लोगों को दैनिक उपयोग के लिए पर्याप्त पानी नहीं दिया जा रहा है। इसी समस्या को लेकर महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल राउत ने मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी से मुलाकात कर समस्या से अवगत कराते हुए जल समस्या तत्काल हल करने की मांग की। पिछले कुछ महीनों में समता नगर, कल्पना नगर, विश्राम नगर, सुगत नगर, कबीर नगर और अंगुलीमाल नगर के नागरिकों को जलापूर्ति से संबंधी विविध समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इन्हीं समस्याओं को लेकर महाराष्ट्र प्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष कुणाल राउत की मौजूदगी में और युवा कांग्रेस के प्रदेश सचिव व पार्षद नेहा निकोसे के नेतृत्व में क्षेत्र के नागरिकों ने मनपा आयुक्त कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर आयुक्त ने प्रतिनिधिमंडल के साथ सकारात्मक चर्चा की। नागरिकों का आरोप है कि पानी सप्लाई करने वाला टैंकर चालक पैसे की मांग करता है। इस अवसर पर नीलेश खोबरागड़े, बाबू खान, राकेश निकोसे, गौतम अंबादे, संतोष खड़से, शालिनी संगीता, माया गिडाम, प्राची करवाड़े, बोरकर, अर्जुन नंदेश्वर सहित बड़ी संख्या में नागरिकगण मौजूद थे। महामेट्रो ने यात्रियों की पूरी यात्रा को सुखद बनाने के लिए लास्ट माइल कनेक्टिविटी और फीडर सर्विस जैसी सेवाएं लागू की है। इसके तहत मेट्रो स्टेशन पर साइकिल और नॉन मोटराइज्ड ट्रांसपोर्ट तत्व पर आधारित विभिन्न वाहन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिल रही है और अब तक नागपुर के लोगों द्वारा लगभग 600 साइकिलों का नियमित रूप से उपयोग किया जा रहा है। यात्रियों की सुविधा नागपुर मेट्रो का मुख्य लक्ष्य है। स्टेशनों पर और यात्रियों के बीच विभिन्न सुविधाओं की योजना बनाई गई है। न केवल मेट्रो यात्रा के दौरान बल्कि घर से मेट्रो स्टेशन तक और मेट्रो स्टेशन से अपने गंतव्य तक की यात्रा को और भी अधिक आरामदायक बनाने के लिए परिवहन के विभिन्न साधनों को मल्टी मॉडल एकीकरण के माध्यम से एकीकृत किया गया है। महामेट्रो द्वारा प्रत्येक स्टेशन पर बसे ई रिक्शा, ई बाइक और साइकिल की व्यवस्था की गई है। इसके लिए विभिन्न कंपनियों के साथ MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। विभिन्न सेवाएं उपलब्ध है, लेकिन साइकिल यात्रियों की पहली पसंद है। महामेट्रो ने स्टेशन पर साइकिल सेवाएं प्रदान करने के लिए माय बाइक और VIPL के साथ समझौता किया है। अध्यक्ष श्रवण कुमार मालू के नेतृत्व में विदर्भ टैक्सपेयर्स एसोसिएशन के एक प्रतिनिधिमंडल ने संस्थापक उपाध्यक्ष रामकिशन ओझा से भेंट कर उनका पुष्पगुच्छ से स्वागत करते हुए अखिल भारतीय कांग्रेस समिति नई दिल्ली के सचिव पद पर नियुक्ति के लिए उन्हें हार्दिक शुभकामनाएं दी। VTA अध्यक्ष श्रवण कुमार मालू ने सर्वप्रथम अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के नवनियुक्त सचिव रामकिशन ओझा को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। मालू ने साथ ही समय समय पर VTA को दिए गए सहयोग तथा मार्गदर्शन के लिए उनका आभार माना। नवनियुक्त सचिव रामकिशन ओझा ने VTA की संपूर्ण टीम के प्रति आभार व्यक्त किया तथा हमेशा इसी प्रकार सहयोग की आशा व्यक्त की। इस अवसर पर VTA के सचिव तेजिंदर सिंह रेणु, उपाध्यक्ष हेमंत त्रिवेदी, कोषाध्यक्ष पवन के चोपड़ा, सहसचिव अमरजीत सिंह चावला व राजेश कानूनगो, कार्यकारिणी सदस्यगण कृष्णा दायमा, हरेश कुमार सोनी, हेमंत शर्मा व हरमनजीत सिंह बावेजा उपस्थित थे। सुशीलानगर सिंधी पंचायत द्वारा सुशीलानगर में सिंधी समाज द्वारा झूलेलाल जयंती महोत्सव हर्षोल्लास से मनाया गया। इसके पश्चात बहिराणा साहेब की शोभायात्रा सुशीलानगर व हीरानगर और आसपास के क्षेत्र में भ्रमण कर गुरुदरबार सुशीला लेआउट में समाप्त हुई। शोभायात्रा का स्वागत जगह जगह पर फूलों की वर्षा और प्रसाद वितरण कर किया गया। इस महोत्सव में सुशीलानगर सिंधी पंचायत, सिंधी युवा शक्ति संगठन, हीरानगर सिंधी पंचायत व पूज्य झूलेलाल मंदिर का विशेष सहयोग रहा। कार्यक्रम के सफलता के लिए सुशीलानगर पंचायत के अध्यक्ष हितेश चंदवानी, सचिव मनोज अंगनानी, सहसचिव राजेश बुधवानी,
कोषाध्यक्ष प्रकाश, अर्जुन जग्यासी, महेश बठेजा, राजेश धनवानी, गुड्डू लालवानी, दिलीप धनवानी, दिनेश खियानी, सुनील मोटवानी, हरीश चंदवानी, संजय फुलवानी, पंकज अंगनानी आदि का योगदान रहा। पूर्व नागपुर क्षेत्र हिवरीनगर स्थित शिवाजी महाराज चौक पर सहकार्य मंच पदाधिकारी एवं समाजसेवी महेंद्र कटारिया, विनोद कोचर, मनोज अग्रवाल, नरेश जुमानी, हितेश जोशी, गिरीश मुंदड़ा, संदीप साबू, प्रकाश शर्मा ने क्रम से छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की पूजा अर्चना कर एवं माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। छत्रपति शिवाजी महाराज की 342वीं पुण्यतिथि मनाई जा रही है। 3 अप्रैल 1680 में बीमारी की वजह से छत्रपति शिवाजी की मृत्यु अपनी राजधानी राजगढ़ दुर्ग में हो गई थी। 19 फरवरी साल 1630 में जन्मे वीर शिवाजी महाराज की गौरवगाथा आज भी लोगों को सुनाई जाती है। इतिहास के पन्नों पर वीर छत्रपति शिवाजी का नाम सुनहरे अक्षरों से लिखा गया है। भारत को विदेशी ताकतों से बचाने के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी देश के नाम कुर्बान कर दी थी। इस अवसर पर मंच के अन्य सदस्य अशोक सावरकर, अशोक हाड़ा, मधुसूदन सारडा, मनोज बंड, दिनेश गोयल, डॉक्टर विनीत कारिया, रवि मैनानी, लखन श्रीवास, नंदकुमार सोनी, राकेश अग्रे, शरद हाड़ा, रमाकांत सारडा ने भी छत्रपति शिवाजी महाराज की प्रतिमा की पूजा अर्चना कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। टेलीफोन एक्सचेंज चौक में शीतल जल प्याऊ के उद्घाटन समारोह में माहेश्वरी युवा संघ संस्था के पूर्व अध्यक्ष एवं अखिल भारतीय माहेश्वरी युवा संगठन के उपाध्यक्ष शरद सोनी, नागपुर जिला माहेश्वरी सभा सचिव हरेश सोनी, जिला माहेश्वरी युवा संगठन के सचिव विवेक सारडा, पूर्व अध्यक्ष सर्वश्री सतीश बियाणी, गिरिराज बियाणी, महावीर मालू, बनवारी भुतड़ा, संस्था के पूर्व सचिव महेश बजाज, गोविंद झवर, वर्तमान माहेश्वरी युवा संघ के अध्यक्ष मनोज लोया, सचिव नितेश भट्टड़, भरत काकाणी, सचिन सोनी, आनंद सारडा, श्रीनाथ चांडक, सुशील मोदानी, कपिल भंसाली, प्रदीप मंत्री, प्याऊ संयोजक मानक लाटुरिया, अनुज काबरा, आशीष जाखुटिया, रामानुज भंसाली, विशाखा विकास झुंझुनवाला, जय किशन पच्चीसिया, जितेंद्र वैरागड़े, मोतीराम शेंद्रे, संजय अग्रवाल आदि ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई। मान्यवरों ने प्याऊ के उद्घाटन के अवसर पर विश्वास व्यक्त किया कि इससे गर्मी के मौसम में लोगों को काफी राहत मिलेगी। मंडल रेल प्रबंधक ऋचा खरे, नागपुर मंडल और अपर मंडल रेल प्रबंधक पीएस खैरकर के नेतृत्व में विभिन्न संपत्तियों को नवीन तरीकों से मुद्रीकृत करके गैर किराया राजस्व एनएफआर बढ़ाने के अपने प्रयासों को जारी रखा है। नए वित्तीय वर्ष 2022-23 के पहले 4 दिनों में मंडल ने इस संबंध में 1,84,00,000 रुपए के 4 अर्जन अनुबंध प्रदान किए हैं। नागपुर मंडल ने विभिन्न बुकिंग तथा आरक्षण काउंटरों पर किराया पुनरावर्तक प्रणालियों की 49 स्क्रीन स्थापित करने और संचालित करने के लिए एक अनुबंध प्रदान किया, जिसमें यात्रियों के टिकट विवरण और वाणिज्य विज्ञापनों को स्थान साझाकरण मोड में चलाया जाएगा। इस महत्वपूर्ण यात्री सुविधा अनुबंध के प्रावधान के साथ ₹14,00,000 बचत सुनिश्चित की तथा ₹24,00,000 का राजस्व प्राप्त होगा। इसके अलावा मंडल ने 3 अनुबंध भी प्रदान की है। प्रत्येक अनुबंध में 5 इंजनों में अजनी लोको शेड के कुल 15 इंजनों की ब्रांडिंग के लिए अनुमति प्रदान की, जिनमें 5 साल में 1,60,00,000 रुपए का राजस्व प्राप्त होगा। नागपुर मंडल के पास पहले से ही अजनी लोको शेड के 5 इंजनों के ब्रांड के लिए 3 साल से अनुबंध कार्यरत है, जिससे 54,00,000 रुपए आय सुनिश्चित किया गया है। राजस्थानी ब्रह्म समाज द्वारा आज स्मॉल फैक्ट्री एरिया स्थित ब्रह्म समाज भवन में गणगौर और सिंजारा उत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर समाज की सभी महिलाएं, युवतियां और बच्चे पारंपरिक वेशभूषा में सज धज कर कार्यक्रम स्थल में पहुंचे। होली के दिन से शुरू 16 दिवसीय गणगौर उत्सव के चलते राजस्थानी ब्रह्म समाज ने समाज की सभी महिलाओं और युवतियों के लिए खासतौर पर सिंजारा उत्सव और गुड़ला पूजन का आयोजन किया था। इसमें सभी युवतियां अपने अपने ईसर गणगौर को साथ लेकर कार्यक्रम में शामिल हुई थी। संस्था ने सभी का गुड़ला पूजन किया और सभी नवविवाहितों को चुनरी पहनाकर उपहार प्रदान किए गए। इस अवसर पर पूजा जोशी और शालिनी पंचारिया ने ईसर गणगौर की सजीव झांकी प्रस्तुत की। सभी महिलाएं पारंपरिक परिधान में सज धज कर 16 श्रृंगार के साथ शामिल हुई थी। सभी के लिए वहाँ हाउजी और अन्य खेल भी रखे गए थे। विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। कार्यक्रम के अंत में सभी ने स्वादिष्ट व्यंजनों का लुत्फ उठाया। यातायात पुलिस ने मोटर वाहन अधिनियम के विभिन्न धाराओं के अंतर्गत
कुल मिलाकर 2697 वाहन चालकों पर कार्रवाई की और उनसे कुल मिलाकर 59,000 रुपये का जुर्माना वसूला। इसी तरह मुंबई शराबबंदी अधिनियम के अंतर्गत दो मामलों में दो आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 1200 रुपये का सामान जब्त किया गया है। इसके अलावा जुआ अधिनियम के अंतर्गत 7 मामलों में 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और उनसे 1,75,000 रुपये का जुर्माना वसूला गया। उपरोक्त सभी ऑपरेशन संयुक्त रूप से नागपुर सिटी पुलिस द्वारा किए गए थे। ट्रैफिक विभाग ने यह आह्वान किया है कि नागरिक वाहन चलाते समय वाहन से संबंधित सभी दस्तावेज अपने पास रखें। एसटी महामंडल ने सोमवार को 165 बसों का संचालन किया। इस बसों में गणेशपेट 35, इमामबाड़ा 35, घाट रोड 38, उमरेट 6, सावनेर 14, वर्धमान नगर 17, रामटेक 10, काटोल 10 शामिल है। इन बसों ने 526 फेरिया कर 46,860.4 किलोमीटर की यात्रा की, साथ ही 24,430 लोगों ने सफर किया। अधिकारियों के अनुसार वे जल्द ही बसों की संख्या 200 के आसपास ले जाने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिससे यात्रियों को सही समय पर मंजिल तक पहुंचाया जा सके। बता दें कि गर्मी के समय में बसें सही समय से न चलने के कारण यात्री बेहद परेशान हैं। उन्हें घंटों एसटी स्टैंड पर बैठकर बस के चलने का इंतजार करना पड़ता है। यात्रियों का कहना है कि बसें बेहद कम स्पीड में चलाई जा रही है, जिससे उन्हें अपने गंतव्य तक पहुंचने में 1 से 2 घंटे की देरी हो रही है। एसटी हड़ताल का सबसे बड़ा खामियाजा ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को उठाना पड़ रहा है। यहाँ निजी बसें चलने से मनमाना किराया वसूला जा रहा है। कुछ लोग इस हड़ताल को निजी बस संचालकों की साजिश भी बता रहे हैं, जिससे उनका धंधा चलता रहे। महाराष्ट्र में फिलहाल लाउडस्पीकर पर राज ठाकरे के बयान को लेकर भयंकर राजनीतिक बवाल चल रहा है। अब इन्हीं मस्जिदों में लाउडस्पीकर पर राज ठाकरे के बयान पर महाराष्ट्र के मंत्री नितिन राउत ने भी उन पर तंज कसा है। दरअसल उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि वो एक खास धर्म को लेकर ही अपने बयान दे रहे हैं, जिससे उनकी मानसिकता का भी पता चलता है, लेकिन इसे उठकर हमारी बड़ी जिम्मेदारी देश को एक रखने की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत विभिन्न भाषाओं, धर्मों और सांस्कृतिकों का प्रधान देश है, वही हमारे इस विशाल देश को एकजुट रखना हमारी जिम्मेदारी है। यही वास्तव में दुखद है कि लोग धर्म के बारे में इस तरह के बयान दे रहे हैं, ये उनकी मानसिकता को भी दर्शाता है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने बीते हफ्ते मस्जिद में लाउडस्पीकर के विषय पर विवादित बयान दिया था, जिससे राज्य का सियासी माहौल गर्मा गया है। इटारसी लाइन पर तीसरी रेल लाइन निर्मित करने के लिए मध्य रेलवे ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके बीच कई मकान आने के कारण हाल ही में मध्य रेल विभाग ने संपत्ति धारकों को नोटिस जारी किया है। इसके बाद इन मकानों को हटाने के लिए दलबल सहित दबिश भी दी गई। इस दौरान भारी विरोध के चलते कार्रवाई स्थगित कर दी गई थी। रेल विभाग के स्टेट ऑफिसर ने इन संपत्ति धारकों को सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा था, जिसके अनुसार 150 से अधिक लोगों ने अपने दस्तावेज रेल विभाग को दिखाए तो विभाग ने उन्हें अधिकृत रूप से स्वीकार नहीं किया, केवल ठप्पा लगाकर उन्हें वापस कर दिया, जबकि अधिकृत रूप से इसकी स्वीकृति दी जानी चाहिए थी। रेल विभाग के इस बर्ताव के खिलाफ अब DRM का घेराव करने की चेतावनी पूर्व पार्षद वेद प्रकाश आर्य ने दी। उल्लेखनीय है कि रेल विभाग ने इन झोपड़पट्टी वासियों को अल्टीमेटम दिया गया है, जिससे भविष्य में रेल विभाग और जनता में संघर्ष होने की संभावना भी जताई जा रही है। सोमवार को तीसरी रेल लाइन निर्माण से बाधित पुराना जरीपटका और महात्मा फुले झोपड़पट्टी वासियों का शिष्टमंडल मनपा आयुक्त से मिला। चर्चा के दौरान आर्य ने कहा कि यहां पर 50 वर्ष पहले से लोग रह रहे हैं। यहां मनपा की ओर से जलापूर्ति की व्यवस्था की गई, लोगों को अधिकृत नल कनेक्शन दिए गए। इसके अलावा मनपा ने संपत्ति कर भी लगाया है। FD घोटाला, पॉलीमार खरीदी घोटाला, प्रशिक्षण घोटाला के बाद अब जिला परिषद में बकरी खरीदी व वितरण घोटाला सामने आया है। विपक्ष ने पशु व संवर्धन विभाग से संबंधित इस घोटाले की जांच की मांग CEO और विभागीय आयुक्त से की है। हालांकि कृषि व पशु संवर्धन सभापति ने इससे इनकार किया है। जिला परिषद में विशेष घटक योजना के तहत 45,000 रुपयों में 10 बकरियां और 1 बकरा लाभार्थियों को रोजगार के लिए देने की योजना है, लेकिन 1 लाभार्थी को 10 बकरियां व 1 बकरी की जगह केवल 5 बकरियां और 1 बकरा देकर टकराने के मामले सामने आए हैं, जबकि कागजात व बिल 10 बकरियां और 1 बकरे का बनाया गया। ऐसे मामले सामने आने के बाद विपक्ष ने बकरीगट और गायगट वितरण में भारी घोटाले का आरोप लगाया है। कृषि उत्पन्न बाजार समिति नागपुर में अड़ेगांव के राजहंस वासनिक ने 26 मार्च को बकरी ली, उसे 5 बकरियां व 1 बकरा दिया गया, जबकि बिल 10 बकरियां और 1 बकरे का बनाया गया। इसी तरह दूसरे लाभार्थी विनोद बावनगढ़ के साथ भी ऐसा ही किया गया। इस संदर्भ में विभाग के अधिकारी कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। राष्ट्रसंत तुकड़ोजी महाराज नागपुर विश्वविद्यालय की ग्रीष्मकालीन परीक्षाओं के लिए शुरू हुई साइट तकनीकी गड़बड़ियों के कारण बंद कर दी गई थी, जिसे परीक्षा फॉर्म कैसे भरे जाए ये सवाल उठने लगा है।
इससे विश्वविद्यालय की ग्रीष्मकालीन परीक्षा कार्यक्रम प्रभावित होने की संभावना है। इस संबंध में प्राचार्य फोरम ने उपकुलपति प्रोफेसर सुभाष चौधरी को पत्र लिखकर समाधान की गुहार लगाई। परीक्षा को लेकर विश्वविद्यालय की ओर से जारी सर्कुलर के मुताबिक कॉलेज के लिए छात्रों का परीक्षा आवेदन फॉर्म ऑनलाइन भरकर 15 मार्च तक विश्वविद्यालय में जमा करना अनिवार्य था, लेकिन साइट बंद होने से वीवी ने परीक्षा फॉर्म जमा करने की तारीख 25 मार्च तक बढ़ा दी। उसके बाद भी साइट नहीं खुलने पर वीवी ने फिर से समय सीमा बढ़ा दी। इसके तहत 31 मार्च तक आवेदन जमा करना था। साइट बंद होने के कारण कॉलेजों द्वारा बार बार यूनिवर्सिटी के संबंधित विभाग से संपर्क किया जा रहा है, लेकिन अधिकारी समाधानकारक जवाब नहीं दे रहे हैं। कॉलेजों को समय पर आवेदन जमा करने में परेशानी हो रही है, जिससे विश्वविद्यालय की 2022 की ग्रीष्मकालीन परीक्षा प्रभावित हो सकती है। यूनिवर्सिटी ने 25 अप्रैल से ग्रीष्मकालीन परीक्षाओं के कार्यक्रम की घोषणा कर दी। वर्ष 2021-22 में सर्वाधिक माल लदान में कीर्तिमान स्थापित, हर वर्ष माल लदान और सर्कल अर्जन के क्षेत्र में अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल ने वर्ष 2021-22 में अब तक का सर्वाधिक माल लदान एवं सकल अर्जन में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। मंडल रेल प्रबंधक मनिंदर उप्पल के नेतृत्व में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे नागपुर मंडल द्वारा माल लदान के क्षेत्र में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए फलस्वरूप वर्ष 2021-22 में 9.57 मिलियन टन माल लदान किया गया है, जिसके फलस्वरूप 691.69 करोड़ रुपए की आय हुई है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 15% लदान तथा 31% आय में अधिक है। मुख्यालय द्वारा वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित टारगेट से आय में 13.48% अधिक है। इसके अलावा 31 मार्च 2022 को अब तक की सर्वश्रेष्ठ दैनिक 22 रेक के जरिए 1081 वैगन माल ढुलाई का रिकॉर्ड भी बना है। वर्ष 2021-22 में प्रमुखता से सर्वाधिक लदान में कोयला, मैग्नीज और इस्पात लोह, सीमेंट, फ्लाई एश, खाद्यान्न आदि शामिल है। टिकट चेकिंग क्षेत्र में भी शानदार प्रदर्शन के दौरान 2021-2022 में विभिन्न गाड़ियों तथा रेलवे स्टेशनों में चलाए गए टिकट जांच अभियानों के अंतर्गत बिना टिकट अनियमित यात्रा तथा बिना माल बुक किए गए लगेज 4,49,359 मामले दर्ज कर कुल 22,38,00,000 रुपए वसूले गए हैं। मानव जीवन में श्रीमद् भागवत कथा का बड़ा ही महत्व है। संसार में जो भी इस कथा का श्रवण करता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये कथा मोक्ष प्रदायिनी है। ये उद्धार मानेवाड़ा बालाजी नगर के शीतला माता मंदिर में आयोजित संगीत में श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ महोत्सव के दौरान चित्रकूट के भागवत कथाकार योगेश कृष्ण महाराज ने भक्तों से कहे। उन्होंने कहा कि भागवत कथा भगवान के श्रीमुख से कही गई कथा है। कथा के समय स्वयं भगवान कथास्थल में विराजमान रहते हैं, अतः इस कथा का श्रवण शुद्ध मन से पूरे भक्ति और श्रद्धा से करना चाहिए। श्रीमद् भागवत पुराण कथा हिंदुओं के प्रसिद्ध 18 पुराणों में से एक है। इसका मुख्य विषय आध्यात्मिक योग और भक्ति को जागृत करना है। इस पुराण में भगवान श्री कृष्ण को सभी देवों में श्रेष्ठ माना गया है। श्रीमद् भागवत पुराण में विद्या का अक्षर भंडार है। ये पुराण सभी प्रकार के कल्याण व सुख देने वाला है। श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान का स्वरूप है, इसलिए इसे श्रद्धा पूर्वक श्रवण करना चाहिए। इसके पठन एवं श्रवण से मोक्ष सुलभ हो जाता है। मन की शुद्धि के लिए इससे बड़ा कोई साधन नहीं। महावितरण की कृषि नीति के तहत प्रलंबित बिल की 50% राशि का भुगतान कर 100% बकाया माफी की योजना का लाभ उठाते हुए 31 मार्च को नागपुर सर्किल के 4,532 किसानों ने रिकॉर्ड 5 करोड़ रुपए का भुगतान किया। उमरेड संभाग अंतर्गत भिवापुर के किसान एक ही दिन में 47,00,000 रुपए के बिजली बिल का भुगतान कर अव्वल रहे। विदर्भ में नागपुर सर्कल के अधिकांश किसानों ने 31 मार्च को भुगतान किया। महावितरण की कृषि नीति के तहत प्रलंबित बिजली बिल का 50% बकाया भुगतान कर संपूर्ण बिजली बिल की अदायगी का लाभ उठाने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 थी। ये योजना 2024 तक जारी रहेगी। इस योजना के तहत अब मार्च 2023 तक भुगतान करने वाले किसानों को 30% की छूट मिलेगी और मार्च 2022 तक भुगतान करने वाले किसानों को 20% की छूट मिलेगी। इस योजना में 31 मार्च 2022 तक भारी रियायत का लाभ उठाकर नागपुर परिमंडल के 4,532 किसानों ने अपने वर्तमान एवं बकाया बिजली बिलों का 5.17 करोड़ रुपए भुगतान किया। भिवापुर उपविभाग में किसानों ने एक ही दिन में सर्वाधिक यानी कि 47,00,000 रुपए का भुगतान किया है। 1992 से अब तक 30 साल की अवधि बीत चुकी है, फिर भी ये देखा गया है कि टाकलघाट और 16 अन्य गांवों के किसानों को अभी तक उनकी जमीन का मुआवजा नहीं मिला है। इस संबंध में महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम MIDC के अधिकारी स्पष्टीकरण दे तथा पीड़ित किसानों को बढ़ा हुआ
और प्रलंबित मुआवजा प्रदान करें। उक्त निर्देश पशुपालन, दुग्ध व्यवसाय विकास, खेल व युवा कल्याण मंत्री सुनील केदार ने जिलाधिकारी कार्यालय में हाल ही में आयोजित एक बैठक के दौरान दिए। बैठक में कलेक्टर आर विमला, जिला पुलिस अधीक्षक विजय कुमार मगर, जिला परिषद कृषि एवं पशुपालन सभापति तापेश्वर वैद्य, उप जिलाधिकारी शिवराज पडोले, उप विभागीय अधिकारी इंदिरा चौधरी, पुलिस उप अधीक्षक संजय पुरंदरे, पशु संवर्धन उपायुक्त मंजूषा पुंडली, जिला अधीक्षक कृषि अधिकारी डाखले, MIDC के विभागीय अधिकारी राजेश गिरी, हिंगना तहसीलदार बोरकर, अधीक्षक भूमि अभिलेख दाबेराव, कामगार अधिकारी ध्रुवे पाटिल, इंडोरामा सिंथेटिक्स के मुख्य कार्यकारी अधिकारी निशिकांत भूरे, पुलिस अधिकारी, परिवहन शाखा अधिकारी सहित प्रभावित किसान मौजूद थे। केदार ने कहा कि जिले में जमीन की जो दरें हैं उन दरों के हिसाब से मुख्यालय को यथाशीघ्र प्रस्ताव प्रस्तुत करें तथा पीड़ित किसानों को यथाशीघ्र मुआवजा दें। राज्य सरकार की ओर से कोवैक्सीन और कोविशील्ड टीके का पर्याप्त स्टॉक प्राप्त होने के कारण 18 प्लस और 45 प्लस आयु वर्ग के सभी नागरिकों का टीकाकरण नागपुर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर आज शाम के 4 बजे तक टीकाकरण होने वाला है। इस आयु वर्ग के नागरिकों को कोविशील्ड टीका निःशुल्क दिया जाएगा। मनपा की ओर से बड़े पैमाने पर नागरिकों को टीका लगवाने का आह्वान किया जा रहा है। पहला डोज, दूसरा डोज और इसी तरह पात्र नागरिकों के लिए बूस्टर डोज लेने के लिए टीके पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। इसी तरह 15 प्लस आयु वर्ग के नागरिकों के लिए कोवैक्सीन टीके का स्टॉक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो चुका है। टीकाकरण के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से पंजीकरण किया जा सकता है, ये जानकारी मनपा के स्वास्थ्य विभाग की ओर से दी गई है। इसी तरह ग्लोबल मॉल बर्डी में ड्राइव इन वैक्सीनेशन केंद्रों पर भी सभी नागरिकों के लिए टीकाकरण शाम के 4 बजे तक किया जाएगा, ये जानकारी चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर बहिरवार ने दी है। तो नागपुर हलचल में आज इतना ही, आपसे कल फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहिए VKB News। नमस्कार।